Good morning, everybody. Today we organize this lecture for chapter number 1, that is called Real Numbers. In standard 9, you have to already study about that. Some basic number system you have to study in previous years. So, कौन सी number systems है वो हम पहले समझ लेते हैं. सबसे पहले आते हैं natural numbers. तो natural number किसे कहते हैं? तो number which we use for countings. There are two bench. There are five mangoes. There are seven oranges. The number which we use for countings, that is called as a natural numbers. इसमें कौन कौन से numbers include होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 2 up to infinite. और इसका denotion क्या है? Capital N. Next one, that is whole numbers. Whole numbers में natural numbers तो include होते ही है, लेकिन और एक नंबर्स अंदर इंक्लूड होता है, दैट इज व्हाट? जीरो. यानी मूल नंबर सिस्टम में नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी? जीरो से होगी. और नेचुरल नंबर सिस्टम में नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी? वन से होगी. तो मूल नंबर्स को हम डिनोशन कैसे दे सकते हैं? तो दैट इज व्हाट? कैपिटल डब्ल्यू. नाउ नेक्स्ट, दैट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स में तीन टाइप के नंबर्स होते हैं. First one, that is negative number. Second one, that is positive number. And third one, that is zero. Now, integers denoted by capital Z. In 9th standard, you have studied about rational numbers. How we explain rational number? So what? A number whom we write in the form of P upon Q. जिस नंबर को हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, वो नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. लेकिन उसके लिए कंडीशन है हमारे पास. कंडीशन क्या है हमारे पास? दैट इज Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. नाउ व्हाट इज P? व्हाट इज Q? P इज द न्यूमरेटर एंड Q इज द डिनोमिनेटर. यानी कंडीशन क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं. अभी क्यों नहीं होना चाहिए वो आपको ऑलरेडी पता है. यू ऑलरेडी स्टडी इन स्टैंडर्ड 9. 1 अपॉन 0 मतलब क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. एंड इनफाइनाइट इज नॉट एनी नंबर सिस्टम. वो किसी भी नंबर सिस्टम में अप्लाई नहीं होता है. तो इसके लिए वो नंबर सिस्टम कहां जाएगा? नहीं. तो दैट्स व्हाई उसकी कंडीशन क्या है मेरे पास? Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. कंडीशन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर के डिनोटेड, हाउ वी डिनोटेड रेशनल नंबर? दैट इज कैपिटल Q. एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? 2 upon 3, 3 upon 5, 4 upon 7, 5 upon 9. एनी नंबर यू हैव टू सिलेक्ट इट, बट फॉर्म इज ऑलवेज P upon Q. नाउ नेक्स्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज बेसिक नंबर सिस्टम, दैट यू हैव टू ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6 to 9. नाउ इन स्टैंडर्ड 10 वी हैव टू डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स किसे कहा जाता है? So, मैं आपको बता दूं पहले से कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, ऑल फोर नंबर सिस्टम्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स. और उसके अलावा रियल नंबर्स में क्या होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर किसे कहते हैं? तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर. अभी रेशनल नंबर के फॉर्म हम सीख गए, द नंबर whom we represent as a P upon Q, where Q is not equals to zero. उसके अलावा भी दो टाइप है उसमें, उसके बारे में भी आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 से पढ़ चुके हैं. तो फर्स्ट क्या आएगा? दैट इज व्हाट? दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हम किसे कहते हैं? तो जिसमें तुम्हारा कंप्लीट डिविजन हो जाए. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है. सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, 1 upon 2. 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एज अ कोएफिशिएंट, दैट इज 0.5. सो हियर वी डूइंग कंप्लीट डिवीजन.
तो ऐसे टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो सबको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। इट मींस व्हाट, डेसिमल एंड्स। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज द पार्ट ऑफ व्हाट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या एग्जांपल देख लेते हैं, 1/2, 1/5, 1/8, 1/10, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.5, 0.25, 0.125 एंड 0.1। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट इज द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट वन मोर नंबर, ऑलरेडी यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या है, उसमें टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब वो पीस हो जाता है, शांत हो जाता है। अभी इधर क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तुम्हारा कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन क्या होगा, आगे आगे चलता जाएगा। तो देखो 1/3 ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं, 7/3 ले लेते हैं, तो ये जो सारे नंबर है उसमें डिवीजन क्या होगा, आगे ही आगे बढ़ता रहेगा, और वो भी एक सेम नंबर से ही आगे बढ़ेगा। जैसे तुम देख सकते हो इधर 0.33333, 1.33333, 2.33333, इसका मतलब वो जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, रेशनल नंबर्स। तो ये हो गया रेशनल नंबर के बारे में। पहले तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी कि वो भी रिप्रेजेंट एज अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसके दो पार्ट है, एक आएगा तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें क्या होगा, टर्मिनेटिंग में तुम्हारा कंप्लीट डिवीजन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जो डिवीजन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो एक ही सेम नंबर से क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, उसके दो टाइप है। फर्स्ट आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा, सेम अगेन उसका कंप्लीट डिवीजन होगा नहीं, लेकिन इधर और एक वर्ड है दैट इज नॉन रिपीटिंग, मतलब नंबर एक ही तरह से रिपीट नहीं होगा। एग्जांपल आप देख सकते हो 1.01001001, मतलब क्या कि हमारा जो नंबर है वो एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, उसमें पैटर्न्स के क्या हो रहा है, नंबर आगे बढ़ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इसके लिए ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। और एक है जो भी प्राइम नंबर्स है, जितने भी प्राइम नंबर्स वो किस में आएंगे, अगर स्क्वायर रूट में आएंगे, स्क्वायर रूट पता है ना आपको, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ऑल प्राइम नंबर्स इन स्क्वायर रूट, दैट ऑल आर व्हाट, इरेशनल नंबर। And rational number and irrational number is what? It is the combination of real numbers, part of real numbers. तभी real numbers को हम denote कैसे करते हैं? That is capital R. Real number को हम denotation कैसे करेंगे? Capital R से करेंगे. So that is our number system. There are many number systems are there, but up till standard 10 you have to study this much number system. उसके बाद आपको अगर आगे और नंबर सिस्टम के बारे में सीखना आएगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को बारे में आपको 11 12 साइंस के अंदर पता चलेगा व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स। नाउ दैट इज बेसिक नॉलेज, नेचुरल नंबर्स, फुल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। इन स्टैंडर्ड 10 यू हैव टू स्टडी अबाउट रियल नंबर्स। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन लीमा, that you have to already study as a form of division in 9th standard, but Euclid represent it only. So that's why we have to study it about Euclid division lemma in next lecture, and we started with exercise 1.1 also. So please remember that all basic knowledge. Thank you. Now in previous lecture we are discussing about total 5 number systems. Now in this lecture we are to discuss about Euclid's division lemma. Now what is Euclid's division lemma? Lemma is what? ये जो statement है, कोई भी statement हम ले ले, अगर वो statement true हो
तो वो जो प्रूवन स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं किसी और थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो वो जो स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं लेमा। सो हियर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी इंटीजर्स ले लो, 1, 2, 3 एनी इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स आपको सिलेक्ट करना है। There exist unique integers. Unique मतलब बहुत कि मैं मेरे जैसा अकेला है इधर पूरी पृथ्वी में मेरे जैसा कोई नहीं। That is uniqueness. So there exist unique integers Q and R satisfying. अब ये condition आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। That is the formula. That formula you have to already study in standard 9. What is the formula? A is equals to BQ plus R. इसके लिए कंडीशन क्या है? R is always greater than or equals to 0 and always less than B. इसका मतलब क्या होगा कि जो R है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी? बड़ी होगी और B से छोटी होगी। अभी A, B, P, Q, R ये सब क्या है वो हम समझते हैं। सपोज मैं दो नंबर सिलेक्ट करता हूं, डिवीजन करता हूं, 11 को मैं डिवीजन करता हूं 2 से, सो क्या होगा इधर? 2, 5 सा 10, सो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। सो नाउ जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडर। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट? दैट इज कोएफिशिएंट। एंड इन लास्ट कुछ नंबर जो है वो बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज रिमाइंडर। तो इन स्टैंडर्ड 9 यू हैव टू ऑलरेडी स्टडी डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज व्हाट? डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये वही फॉर्मूला है, सिर्फ यूक्लिड ने इसको अपनी तरह से क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 1। सो हियर 11 इज व्हाट? दैट इज A, 2 मींस व्हाट? दैट इज B, 5 मींस व्हाट? दैट इज Q, एंड 1 इज व्हाट? दैट इज R। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? डिविडेंड। B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज डिवाइजर। Q is equal to क्या हो जाएगा? That is coefficient। And R is equal to that is क्या हो जाएगा? Remainder। So इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए स्टैंडर्ड 9 के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिर्फ यूक्लिड ने क्या किया उसको इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मींस स्टैंडर्ड 9 में आप पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वही फॉर्मूला। इसके लिए आप हमेशा चेक करो कि उसकी जो कंडीशन है ये कंडीशन 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन वो कहां से आएगी, तो आप चेक कर लो। ये हमारा डिवाइजर हो गया 2, ये हमारा रिमाइंडर हो गया 1। ये जो रिमाइंडर है ऑलवेज क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या जो हमारा डिवाइजर होगा उससे ऑलवेज क्या होगा? कमी होगा। आप चेक कर सकते हो एक बार, इधर हमारे पास डिवाइजर क्या है? 2 है, इससे ऑलवेज क्या है? छोटा ही है रिमाइंडर 1। दूसरा नंबर ले लेते हैं डिवीजन के लिए, 10 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे दैट इज 2, 5 का 10, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे लिए? 0। सो इधर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। तो ऑल टाइम किसी भी डिवीजन करो, आप कंप्लीट डिवीजन करो या नॉन कंप्लीट डिवीजन करो, दोनों में क्या होगा? तुम्हारे लिए यही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और किसी भी इंटीजर के लिए ये लॉ अप्लाई होता है, ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज अवर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड 6 यू हैव टू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एचसीएफ,
HCF means what? Highest common factor. इसको हम GCD भी बोल सकते हैं. और LCM means what? Lowest common multiple. So by the Euclid division lemma, we have to find out HCF and LCM. In standard 10, we have to discuss about LCM and LCM, HCF and LCM. इसके लिए two methods है आपके पास. First method आएगी by the use of Euclid's division lemma. And second जो method है, that is by the use of prime factors. अभी prime factor कहां से आएंगे वो हम discuss करेंगे exercise 1.2. और उसके बारे में भी आप standard 8 के अंदर chapter number 6 और 7 square and square root cube and cube root, उसके अंदर आप क्या करते थे, पूरा blocks बनाते थे किसी एक number के लिए, उसके prime factors निकालते थे. prime factors के लिए prime numbers ही only use होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, like that. तो ये हो गया हमारा Euclid division lemma.